हेलो स्टूडेंट, एग्जाम आ गया है और एग्जाम से पहले मैं आ गया हूँ। मैं राकेश सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। तो ध्यान रखिए, आज की वीडियोस में आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपके बायोलॉजी साइंस वाले टॉपिक से, उसको डिस्कशन किया जाएगा। आज जो है पौधों में प्रजनन के बारे में, इसके बाद जंतुओं में प्रजनन और उससे होने वाले रोगों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों टॉपिक्स जिनके नाम अभी आपको समझाए गए हैं, बताए गए हैं, इन तीनों टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आई थिंक यह आपका तीनों लेसन जो है वो 14 मार्क्स आपको प्रोवाइड करता है। कितने मार्क्स प्रोवाइड करता है? 14 मार्क्स प्रोवाइड करता है। अर्थात आप तीन लेसन को अगर कवर करते हैं, तीन लेसन की जो 60-60 पॉइंट्स हैं उसको कवर करते हैं, नोट करते हैं और अपने माइंड्स में सेटअप करते हैं, तो कितने मार्क्स कंटेन करते हैं? सीधे सीधे 14 मार्क्स। मैं आपको आपके विद्या किशन बैंक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं। विद्या किशन बैंक जब डिसाइड की जाती है, क्वेश्चन उसमें पेन डाउन किए जाते हैं, तो आपके टोटल 60% मार्क को ध्यान में रखकर किया जाता है। 60% मार्क्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। लेकिन यदि यदि आप इस चीज को किसी बेहतरीन टीचर्स, किसी लेक्चरर्स, किसी अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो 16% मार्क्स नियर अबाउट 85-90% के आसपास पहुंच जाता है। हाँ, ये इतना सिंपल नहीं जितना सिंपल बताया जा रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर आप बेहतरीन ढंग से लगते हैं, जुड़ते हैं, समझते हैं, तो एग्जाम को भी क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं, पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं आप, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, सभी क्वेश्चन को सबमिट करते हुए आपके पहले लेसन, पहले चैप्टर, पहले यूनिट को स्टार्ट किया जा रहा है, जीवों में जनन। खास करके ध्यान देना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनन अर्थात पुष्पी पौधों में जनन, मानव में जनन और जनन और स्वास्थ्य, इन तीन टॉपिक को कवर करना है और तीन टॉपिक से 14 मार्क्स चुरा लेने हैं, है ना। तो इस तरह से एफर्ट किया जाएगा कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए वो सभी आप से जुड़े, आपसे जो है कि आपके दिमाग से डिस्कशन हुए हों या आपके दिमाग में वो पड़े हों, जिसमें आप बहुत बेहतरीन ढंग से अपना परफॉर्मेंस दे सके, है ना, या कह सकते हैं कि पूरी तरह से पोस्ट क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दे, है ना। तो तैयार हो जाइए, नियर अबाउट मैं आपके साथ लग रहा हूं इस टारगेट को क्रॉस करने के लिए, 85-90% को क्रॉस करने के लिए, है ना। ध्यान दीजिए, पहला जो टॉपिक है जनन है, जनन और स्वास्थ्य, तीसरी टॉपिक है, बीच में एक और टॉपिक इन्वॉल्व कर दी गई मानव जनन, है ना। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब आपको ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। आप कोविड से जब सफर किए तो उसमें से फर्स्ट जो इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको निकाल दिया गया, तो आपको डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करना है। लेकिन हम यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम थोड़ा सा इसके जो पीछे का डाटा है वो भी देख लेंगे, 2 मिनट का टाइम। डिस्कशन करते हैं जनन से। जनन आपको बताया गया था कि जनन एक ऐसी क्रिया है, या आप जानते हैं कि जनन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे रंग रूप आकार की नई संतान को क्या करता है? जन्म देता है। बेटा जब आप वीडियो देख रहे हैं तो एक पेन एक कॉपी ले लीजिए, जो भी लेक्चर में बेहतर लगे उसको पेन डाउन करते जाइए, लिखते जाइए, तभी तो बेहतर बनेंगे। छोटी छोटी पॉइंट्स को डिनोट करते जाएंगे, उसको लर्न करते जाएंगे, सेटअप करते चले जाएंगे दिमाग में, तो सारी चीजें क्लियर होंगी एग्जाम में और बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। ध्यान देंगे पुष्पी पाद में लैंगिक जनन। जनन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे रंग रूप आकार की नई संतान को जन्म देता है। खास करके जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, बहुत सारी बुक्स में 3-3 दिए हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 प्रकार पढ़ते हैं तो उसमें भी सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है।
पहला जो प्रकार है वो है अलैंगिक जनन। कौन सा? अलैंगिक, अलैंगिक जनन। और दूसरा आप जानते हैं लैंगिक जनन। आप बेहतरीन ढंग से याद रखिएगा, डिफरेंस समझ लीजिए। अलैंगिक जनन नाम बड़ा है लेकिन छोटे जीवों में, एक बार फिर से समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए क्या, कि नाम बड़ा है लेकिन कौन से जीवों में? छोटे जीवों में। छोटे जीव आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया है, इसके अलावा प्रोटोजोवंस है, इसके अलावा फंगस है, बहुत सारे ऐसे जीव है जिनमें क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। इसका मतलब समझ लीजिए कि ऐसा जनन जिसमें मेल प्लस फीमेल दोनों बॉडी ऑर्गन्स एक में हो। मैंने आपसे बताया कि नाम बड़ा है लेकिन कौन से जीव में? छोटे जीव में, जिसमें मेल और फीमेल बॉडी ऑर्गन दोनों एक में उपस्थित होते हैं। और वहीं अगर अपोजिट देखें तो लैंगिक जनन समझ लीजिए, जिसमें ये नाम छोटा है लेकिन बड़े जीवों में, अर्थात समस्त उन छोटे जीवों को छोड़कर जितने भी बड़े जीव हैं उनमें सब में लैंगिक जनन। खास करके एक और पॉइंट याद रखने लायक है, इसे याद कर सकते हैं कि इसमें मेल्स बॉडी अलग और फीमेल बॉडी अलग। बातें क्लियर हो रही है? छोटी छोटी पॉइंट से मैंने कहा, पीछे के बैकग्राउंड डाटा को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अलैंगिक जनन नाम बड़ा छोटे जीवों में, जिनमें मेल और फीमेल बॉडी दोनों एक में प्रेजेंट होती है। और लैंगिक जनन नाम छोटा और बड़े जीवों में, खास करके मेल बॉडी अलग और फीमेल बॉडी अलग। अब आप समझिए, टॉपिक अब आपकी शुरू होती है और टॉपिक का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो आपके सेंस में यह आएगा कि सर हमने कभी पुष्प, यहां आपने लैंगिक जनन लिखा रखा है या लेसन में दे रखा है, तो लैंगिक जनन में प्लांट में कहां मेल और फीमेल बॉडी अलग होती है? तो भाई ध्यान दीजिए, पूरे प्लांट में मेल और फीमेल बॉडी नहीं अलग होती है, बल्कि उसके फ्लावर पे उपस्थित होती है। फ्लावर्स की प्लांट जो होती है, सॉरी, फ्लावर्स के जो मेल ऑर्गन्स होते हैं वो अलग होते हैं और फीमेल ऑर्गन्स अलग होते हैं। अब आप ध्यान देंगे, अर्थात हम इसको इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके इस टॉपिक को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जनन क्या है। जनन मुख्यतः दो प्रकार के, उसी में वर्धीय जनन, कायिक जनन और विभाजन, खंडन, ये सारी चीजें अलैंगिक जनन में आ जाती हैं। हाँ, तो कहीं कहीं वर्धीय जनन अलग करके दे दिया तो कहीं तीन प्रकार हो गए। आप ध्यान रखिएगा इन दोनों चीजों, तीनों चीजों को। आगे बढ़ते हैं तो आप कहेंगे कि सर पुष्पी पौधों में, इसका मतलब कि ये है कि जिन पौधों में पुष्प लगते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है और जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं उनमें अलैंगिक जनन, अर्थात पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अच्छा, मैंने क्या किया है कि आपकी टॉपिक को टेढ़ा मेढ़ा नोट किया है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूं। पुष्पीय पौधों में, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन है ना। अब स्टार्ट कर देते हैं अगले पॉइंट को। आई होप कि अब नियर अबाउट सही होगा, सीधी सीधी लाइन होगी, कभी कभी लिखने में थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ऊपर नीचे, है ना। तो आप समझिए, मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो आप केयर करिएगा। जैसे आपको बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उस फिगर को एक बार, दो बार, तीन बार रफ पे कहीं बना के पूरी तरह से अपने हाथ को क्लियर कर लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, ताकि आप जैसे ही एग्जाम में रखे पेन को और सीधे तुरंत संरचना बन के तैयार हो जाए। आपको ज्यादा इसके लिए एफर्ट न करना पड़े कि बहुत 10 मिनट 15 मिनट आपको लग गया बनाने में। और आप ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी चीज का फिगर बनाते हैं और वो कोई क्वेश्चन होता है, अगर उसमें फिगर इन्वॉल्व है, आपने उसको ड्रा कर दिया, तो आधे मार्क्स, अगर मान लीजिए ये 6 मार्क का है तो 3 मार्क, अगर 8 मार्क का है तो 4 मार्क्स केवल फिगर प्रोवाइड कर देता है, 50% मार्क अकेले फिगर कंटेन करता है। आप ध्यान देंगे, अर्थात ये सारी चीजें जो है ये एक फ्लावर का है, फ्लावर के इंटरनल ऑर्गन्स है, अर्थात फ्लावर का एक काट, सीधी संरचना काटी गई है और उसके बॉडी ऑर्गन्स को दिखाया जा रहा है कि यहाँ मेल कहाँ है और फीमेल्स कहाँ है। नाम बहुत कंपलसरी है, अभी नामेनक्लेचर होगा तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस लेसन में,
इसके भागों के नाम को लेकर, एक एक भाग के तीन तीन नाम, एक एक स्टेप के बाद उसके नाम चेंज होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार समझ लीजिएगा, वादा है एग्जाम में चाहे जिस तरह सा क्वेश्चन आएगा आप उसको हैंडल कर लेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट होता है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, इसके पास जो होती है इस तरह से संरचना होती है, ये कहलाती है, अभी मैं केवल ड्रा कर देता हूं उसके बाद नामेंक्लेचर करता हूं, है ना, कि साथ साथ करते चले, चलिए साथ साथ करते चलते हैं। ये है सेपल्स, सेपल है SEP, हिंदी इंग्लिश दोनों समझाएंगे, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए। इसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपरी सतह पे पेटल्स है। अब आप कहेंगे सर पेटल्स क्या होता है या सेपल्स क्या होता है, जो पुष्प का सबसे निचला हरा वाला भाग होता है वह सेपल्स कहलाता है। पुष्प का जो सबसे निचला भाग होता है जिसपे पूरा पुष्प लगा होता है उसके ठीक ऊपर हरी नुमा एक संरचना होती, पत्ती पत्ती नुमा चारों तरफ से घेर रखती है, वह उसका सेपल्स कहलाता है। दूसरा भाग जो सबसे कलरफुल जो बहुत आकर्षक होता है वह भाग पेटल होता है। बातें समझिए, अभी छोटी छोटी पॉइंट्स आपको समझाई जा रही है, जब दो दो नाम हिंदी इंग्लिश सब में समझाएंगे तो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, आप अभी से ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा एक साइड इसका दूसरा ऑर्गन, ये मेल ऑर्गन कहलाता है और ये कुछ इस तरह की संरचना धारण करता है। मैंने आपको कहा कि फिगर बना लीजिएगा ताकि बेहतरीन ढंग से आप एग्जाम में इसको डिनोट कर सकें, दर्शा सकें, समझा सकें, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं यहां से और शॉर्ट भी क्वेश्चन बनते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है नाम को लेकर, आज हम इन सबको क्लियर करेंगे। ये वाला भाग होता है एंथर, एंथर भाग कहलाता है और यहां से एंथर जुड़ा होता है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। अब आप समझिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों भागों को के नाम को अगर मिला दिया जाए तो आपकी बुक में इसका नाम है स्टेमेन। दूसरी कलर से नोट कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्टेमेन, यहां जगह कम पड़ गई, थोड़ा सा ऊपर में लिख दे रहा हूं। स्टेमेन अर्थात अगर एंथर और फिलामेंट को मिला दिया जाए, एक शब्द में बोला जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्टेमेन। यही सारी चीजें अगर आपसे एंथर फिलामेंट छोड़कर स्टेमेन पूछ देता है, माइक्रोस्पोरो स्पोरेंजियम पूछता है, माइक्रोस्पोरो फिल पूछता है, तो बड़े कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, है ना। ध्यान से देखते चलिए, आगे सारी चीजें क्लियर की जाएंगी आपसे। अगर इस साइड हमने बनाया तो इस साइड हम फीमेल पार्ट को नोट करते हैं, यही पूरा पार्ट इस साइड भी होता है, लेकिन अगर हम इस पार्ट पे बना देंगे तो आपको इस साइड इस वाले पार्ट को समझा नहीं पाएंगे। तो आप अपने फिगर में दोनों साइड बनाइएगा, मैं आपको समझाने के लिए केवल एक साइड बनाया हूं और एक साइड बना के यहां पर डिनोट कर दिया हूं, और वही पॉइंट बता रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर अगर ड्रा करते हैं, नामेंक्लेचर करते हैं तो 50% मार्क कंटेन। ये वाला भाग जो जहां पे पुष्प पूरी तरह से अटैच होता है, लगा होता है, ये कहलाता है थैलमस। थैलमस होता है और सबसे निचला भाग पेडिसिल कहलाता है, अर्थात सबसे नीचे वाला जो भाग होता है पेडिसिल, है ना, पेडिसिल, थैलमस, सेपल्स, पेटल्स, फिलामेंट और एंथर। इतनी बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो पेडिसिल से होता है सबसे निचला भाग होता है जहां पे थैलमस और उसका पूरा पुष्प का जो सेपल्स पेटल्स जिसके मेल और फीमेल बॉडी ऑर्गन सब उसी पे अटैच्ड होते हैं, अर्थात थैलमस पे और पेडिसिल पे। नीचे हरा वाला भाग आपको बताया गया कि सेपल्स, और सबसे जो कलरफुल रंगीन कलरफुल भाग आकर्षक भाग वह पेटल्स और एंथर और फिलामेंट, ये है प्लांट के मेल बॉडी ऑर्गन। इस बात को ध्यान रखिएगा, नर भाग ये पौधों के नर भाग है। मैंने नर नहीं जन लिख दिया ना, सॉरी, नर भाग, ये नर भाग है प्लांट्स के।
अगर हम दूसरे साइड पे दूसरे सरफेस पे देखें तो ये वाला भाग स्टिग्मा, स्टिग्मा हिंदी में वर्तिकाग्र, दूसरा भाग स्टाइल, स्टाइल और तीसरा ये वाला भाग ये ओवरी। अर्थात ये जो पूरा तीनों पार्ट है ये फीमेल पार्ट है। आपने पढ़ रखा है, इसके बारे में पुनः डिबेट किया जा रहा है, इसके जो मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं टाइप्स के उसे भी कवर किया जा रहा है साथ ही साथ। आप समझिएगा, ये वाले पॉइंट जो होते हैं ये फीमेल पार्ट कहलाते हैं, फीमेल पार्ट अर्थात मादा भाग। और इसका जो नाम होता है, इसका नाम है आपका, कहां चला गया, इसे कहते हैं पिस्टल, इसके पिस्टल कहते हैं, इसे पिस्टल कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि जो मेल भाग होता है वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्टेमेन, और फीमेल पार्ट जो होता है वह पिस्टल कहलाता है। इस बात को क्लियर करके रखिएगा। इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर, मैं इसको दूसरे कलर से सबमिट कर देता हूं, इसके अंदर जो होता है वह ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल होता है जो इसके अंदर उपस्थित होता है। अर्थात इस तरह की संरचना होती है, इसे हम कहते हैं ओव्यूल। और इसके बीच की जो, बीच का जो प्लेस होता है इसे कहते हैं प्लासेंटा, प्लासेंटा टी एन टी ए है, अर्थात प्लासेंटा हो गया। अब इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पिस्टिल कहलाती है, और पिस्टिल जो होता है यह फीमेल बॉडी पार्ट है, और एंथर फिलामेंट स्टेमेन कहलाता है यह नर भाग अर्थात मेल पार्ट है। बातें क्लियर हो रही है। अब आपको कंफ्यूजन कहां कहां क्रिएट होती है इस बात को ध्यान रखेंगे। सेपल्स को बाह्य दलपुंज कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गायनोशियम, हाँ बाह्य दलपुंज कहते हैं अर्थात इसे कहते हैं कैलिक्स। अगर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा तो मैं डार्क कर देता हूं, और इस बात को ध्यान रखिएगा ये है कैलिक्स। आपसे पूछता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इस बात को क्लियर रखिएगा कि कैलिस को हम क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। सेपल्स अर्थात कैलिक्स, पेटल्स अर्थात कोरोला, सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं कैलिक्स और कोरोला, कोरोला इसे बाह्य दलपुंज और इसे दलपुंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आपको ये नाम आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं अर्थात बाह्य दलपुंज कहते हैं, पेटल्स को करोला कहते हैं अर्थात दलपुंज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये जो होता है एंथर, एंथर को हम कहते हैं पॉलिन चेंबर, पॉलिन चेंबर या पराग कोष, सॉरी पराग कोष कहते हैं, पराग कोष कहते हैं, पराग कोष, और पराग कोष को जो जोड़ता है फिलामेंट कहलाता है, इसे हम तंतु कहते हैं। आपके एग्जाम में तंतु पूछ देता है, पराग कोष पूछता है, एंथर पूछ सकता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अर्थात एंथर जो होता है, एंथर नर भाग होता है, पराग कोष कहलाता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट आर्गन भरे होते हैं, और इसे हम कहते हैं पराग कण, ठीक है ना, अर्थात पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन, ये सभी चीजें इसका मेल पार्ट फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं। अर्थात एंथर और फिलामेंट क्या कहलाते हैं, स्टेमेन कहलाते हैं। स्टेमेन, स्टेमेन में क्या इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो होते हैं भैया कि पॉलिन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, ये मेल पार्ट होते हैं पुष्प के, नर भाग कहलाते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, स्टेमेन को हिंदी में कहते हैं पुमंग, है ना, इसको कहते हैं क्या कहते हैं,
पुमंग कहते हैं, इसके हिंदी भी नोट कर लीजिए, पुमंग। पुमंग कहते हैं। हिंदी इंग्लिश बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आप ध्यान रखिए। सेपल्स, बायदल, पुंज, कैलिक्स, पेटल्स, दल पुंज, करोला, फिलामेंट, तंतु, एंथर को परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर जो होता है पॉलिन ग्रेन भरे होते हैं, पराग कण भरे होते हैं। एंथर और फिलामेंट को मिलाकर स्टेमेन बनता है, स्टेमेन को हिंदी में पुमंग कहते हैं। नाम लिखते जाइएगा, डिनोट करते जाइएगा। अर्थात आगे बढ़ते हैं एंथर के बारे में। पुमंग में ढेर सारे स्टेमेन में या एंथर में कह सकते हैं, ढेर सारी छोटी छोटी लाइंस 3 से 4 कोष्ठों में बटी होती है। अर्थात उन समस्त कोष्ठों में ढेर सारी अधिक संख्या में पॉलिन ग्रेन भरे होते हैं और उस संख्या को कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? ये पुमंग है। इस लाइन में जो कोष्ठ बन जाता है उसे हम कहते हैं पुंकेसर। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन सिंपलिसिटी में समझाया जा रहा है। फिर से समझिए, एंथर और फिलामेंट को मिलाकर स्टेमेन बनता है। हिंदी में स्टेमेन को कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। इसके अलावा पुमंग जो होता है उस कई लाइनों में बटा होता है और उस लाइन को, उस कोष्ठ को पुंकेसर कहते हैं और इसके मध्य भरा होता है पॉलिन ग्रेन। बातें समझ में आ रही हैं? अर्थात इतनी चीजें नामनक्लेचर में क्लियर करके रखिएगा कि ये सभी चीजें मेल भाग कहलाती हैं। बातें क्लियर हो रही हैं? अगर हम थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्स पढ़ें, अर्थात हम इस वाले पॉइंट को इरेज कर रहे हैं, तीन शॉट ले लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा कहीं भी पेज पे या अपने रब पे, आप पूरी चीजों को क्लियर करके रखिएगा। हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं आपको, इस साइड वाले डायग्राम्स को भी बनाना ड्रा करके। इस बात का ध्यान रखिए कि यहां से दोनों तरफ या इसके चारों तरफ ये तंतु और एंथर लगे होते हैं। आप ऐसे चाहे जैसे संरचना बना सकते हैं एंथर की, उसमें एक दो लाइनिंग भी दिखा सकते हैं और आप जानते हैं यहां पे उस चीजों को समझाया गया। आपसे बार बार फिगर के हिसाब से पूछता है और आपको समझाना पड़ता है कि जो एंथर होता है इसको अगर हम काटते हैं, एंथर को अगर हम काटते हैं तो ये चौकोष्ठी संरचना प्रदर्शित करता है। अर्थात चार कोष्ठों में बटा होता है और चारों कोष्ठ में होते हैं पॉलिन ग्रेन। आप बताइए बेटा, आप ध्यान रखिए इस बात को कि इसके अंदर क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन भरे होते हैं और यहां से ढेर सारे पॉलिन ग्रेन हवाओं के माध्यम से, कीटों के माध्यम से स्वतंत्र होकर स्टिग्मा अर्थात इस वाले रीजन में पहुंच जाते हैं, है ना। अर्थात मेल ऑर्गन, अर्थात इसे आप लिख सकते हैं क्या, पॉलिन ग्रेन। ये पॉलिन ग्रेन है। ये पूरा भाग क्या कहलाता था? एंथर, एंथर कहलाता है ना। अर्थात एंथर और पॉलिन ग्रेन, उसके अंदर क्या भरे होते हैं, पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन क्या कहलाते हैं? पौधों के नर, मुख्य नर भाग कहलाते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पौधों के जो मुख्य नर भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलिन ग्रेन। अब आप एक और बात समझ लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट और होने वाला है। कंफ्यूजन ये होने वाला है कि जो ये स्टेमन अर्थात पुंकेसर था आपका, ये पुंकेसर, पुंकेसर को एक और नाम दिया जाता है और वो ज्यादातर वही नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थात आप यहां ना समझ के यहां भी समझ सकते हैं, यही सिमिलर पॉइंट। पुंकेसर को एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, अर्थात इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। अर्थात मैंने कहा था कि अगर आप नाम क्लियर कर लिए फिगर में, सही चीजें सब फिर से समझिए, अगर आप अगर नाम को क्लियर कर लिए हैं तो 40% लेसन और टॉपिक दोनों आपके कंट्रोल में, कवर्ड में रहती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिए, बेहतर करने के लिए, बेहतर पाने के लिए बेहतर करना पड़ता है ना, तो बेहतर करने के लिए की कोशिश की जा रही है जिससे आपका एग्जाम बहुत बेहतर मार्क्स को कंटेन कर सके, प्राप्त कर सके आप खुद उसके ऊपर। अर्थात फिर से समझ लीजिए इतने पॉइंट को कि जो सबसे निचला भाग वो पेडिसिल्स, पेडिसिल्स के ठीक ऊपर
ये वाला भाग था, ये वाला भाग आप मिस हो गया है, थैलमस था, आप नोट कर लीजिएगा। सेपल्स है, सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स को बाह्य दलपुंज कहते हैं। पेटल्स है, पेटल्स को करोला कहते हैं, दलपुंज। और उसके ठीक ऊपर वाला भाग जो होता है जहां से मेल ऑर्गन्स डिवाइड होते हैं, ये है फीमेल्स सॉरी तंतु। और ये रीजन जो है वह एंथर कहलाता है, यह नर भाग है। इसको दोनों को एक नाम प्रोवाइड करता है और ये नाम कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, स्टेमन कहलाता है। स्टेमन में जो कोष्ठ होते हैं उन कई कोष्ठों में बटा होता है, तो उन कोष्ठों को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के अंदर जो होता है पॉलिन ग्रेन भरा होता है। पॉलिन ग्रेन मेल ऑर्गन्स होते हैं, नर जनन अंग होते हैं पुष्प के। वही अगर हम उसका कार्ड काट करके देखें, यहां से अगर हम कट कर दें तो यहां संरचना ये दर्शाई गई है आपके, जिसमें एंथर को दो भागों में काट दिया गया है और दिखाया गया है कि ये जो है ये सभी क्या है, पॉलिन ग्रेन है, जो स्वतंत्र होकर वर्तिकाग्र पहुंचते हैं। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, अर्थात एंथर में क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलिन ग्रेन जो होते हैं मेल भाग कहलाते हैं। मैं छोटी सी पॉइंट बता के आपको यही खत्म करता हूं आज की क्लास को, कि जब ये वाली पॉइंट मिटा देता हूं, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। और एक छोटी सी टॉपिक है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पॉलिन सेक से अर्थात पराग कोष से परागकण स्वतंत्र होकर किसी भी माध्यम से अपने किसी उस पुष्प के या किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, अर्थात परागकण, फिर से समझिए, ध्यान लगाइए थोड़ा सा, एग्जाम एकदम नजदीक है तो अब ध्यान ज्यादा लगाना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए कि जब परागकण स्वतंत्र होकर वर्तिकाग्र पर अर्थात स्टिग्मा पे आ जाते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है। क्या कहलाती है, यह क्रिया परागण कहलाती है। फिर से समझ लीजिए, याद रखिएगा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आगे टॉपिक होने वाली है ना। जब कोई किसी पुष्प का परागकण स्वतंत्र होकर कहां आ जाए, वर्तिकाग्र स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र पर आ जाए तो यह क्रिया पॉलिनेशन अर्थात परागण कहलाती है। अर्थात परागकण अगर यहां आ जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, परागण। और यदि परागकण स्वतंत्र रूप से स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओवरी से मिल जाता है तो यह क्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहलाती है। अर्थात फिर से समझ लीजिए, जितनी पॉइंट्स आपको समझाई गई, जितनी उनकी चीजों के बारे में बताया गया, जो नाम होते हैं वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके लेसन में, आपके टॉपिक में, क्वेश्चन बैंक्स में। ये सारी चीजें छोटी छोटी करके दी गई हैं जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो उन सबको क्लियर किया जा रहा है धीरे धीरे, छोटे पॉइंट से लेते हुए बड़े पॉइंट तक, है ना। आप फिगर ड्रा करके नॉमेनक्लेचर याद रखिएगा कि नर भाग कौन से होते हैं, मादा भाग कौन से होते हैं, इसके अलावा पॉलिनेशन कौन सा प्रोसेस है और फर्टिलाइजेशन निषेचन कौन सा प्रोसेस है। अर्थात पॉलिनेशन जब एंथर से पराग कोष से परागकण स्वतंत्र होकर स्टिग्मा पे आ जाते हैं तो परागण कहलाता है, और जब ये खुद कहां आ जाते हैं, ओवरी के पास फ्यूज हो जाते हैं, ओव्यूल्स में मिलते हैं, तो यह क्रिया निषेचन फर्टिलाइजेशन कहलाती है। आई होप कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। ध्यान से पढ़ाई करिए, बेस्ट बनिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।